हेलो गाइस, मैं आम का अचार डाल रही हूँ और ये मैंगो कटे हुए हैं, आम है जो, और इनको हमने कट कर लिया है और इसको मैंने 5-6 घंटे के लिए रख दिया था, या इसको डे नाइट भी रख सकते हैं। आपको मॉर्निंग में डालना है तो आप नाइट में कट करके रख दो। इसमें मैंने हल्दी और नमक लगा के रखा था तो ये थोड़ा सा पानी छोड़ देता है। फिर इसको ड्राई करके, और मैंने ये मसाले लिए हुए हैं, ये भुंजी हुई रेड चिली पाउडर है, ये सॉल्ट है और ये मेथी की दाल है, इसको भूंज लिया हमने, और सरसों का है दाल है, ये इसको भूंजिए और इसको निकाल लिया है। ये मेथी है, मेथी पाउडर है भूंजा हुआ ये भी, और उसको भूंज के और हमने ना उसको पाउडर बना लिया है, और ये रेड चिली पाउडर है। और ये हमने कढ़ाई में सरसों का तेल लेके और इसमें हमने हींग डाल के थोड़ा सा कड़का लिया है ना, मतलब उसको हल्का सा बॉईल कर लिया है, एक बॉईल आने पे बंद कर लिया। अब इसको ठंडा करके हम ये जो हमारा अचार है ना, मतलब जो हमने ये काट कट करा है, इस पे हम धीरे धीरे करके सारी चीजें मिक्स करेंगे। ये हमने रेड चिली पाउडर डाल दिया है और ये डार्क वाला रेड चिली है पाउडर, ये मेथी है भूंजी हुई, और ये पीली सरसों की दाल है, ये भी भूंजा है हमने, इसको भुना हुआ है ये भी, और ये लास्ट में सॉल्ट डाल देंगे। ये मैं फर्स्ट आपसे अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये हमने सरसों का तेल डाला हुआ है इसमें, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे घर में जो देसी स्टाइल में जो अचार डलता है ना, वो मैंगो का वो है, ये आम का अचार जिसको हम बोलते हैं, सीजन का फर्स्ट अचार है ये आम का। अभी आम आ रहे हैं ना नए नए हम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, किसी और चीज से कर लो ना। ये ऊपर से हमने रेड चिली पाउडर और डाला है ताकि ना अचार अच्छा तीखा थोड़ा स्पाइसी बने। इसको और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी। और रख लो खा। ये हमारा अचार तैयार हो गया है, अब इसको खाने के लिए ये पूरा रेडी है, और ये पार्सल पार्सल हो रहा है भाई। हाँ तो बहुत हम भाग बता रहे थे। और ये बर्तन धो रही है, और बर्तन धोते धोते इसके पसीने छूट गए, और सब लोग इकट्ठे हैं ना तो काम थोड़ा ज्यादा पड़ रहा था, इसके हिस्से में बर्तन आए धोने को। क्या बनाया तुमने? मैंगो शेक बनाया था और फ्रूट कट करके सबको दिए थे, इस तरह मुंह कर लो अपना। और ये बर्थ दो है। क्या कर रही हो तुम? हम मुझे नया ट्रेंड आया है ना, दो चिप्स वाला, वो कर रहे हैं। वैसे वी आर सो लेट फॉर दिस ट्रेंड। अच्छा है ना, है? वो